बिग बॉस 16 के सबसे खास और क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट रहे शिव ठाकरे और अब्दुल रोजी की ये वीडियो सामने आने के बाद से फैंस काफी खुश है। इनफैक्ट इनके इस इवेंट का वीडियो कुछ दिन पहले ही वायरल होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको इतने तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं कि फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनफैक्ट ट्रोलर्स के बोलती बंद हो चुके, ट्रोलर्स को अच्छा खासा जवाब भी मिल चुका है। आखिर कौन सा वीडियो है और किस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, आइए देखते हैं ये पूरी खबर। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बिग बॉस 16 के सबसे चहेते और सबसे ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट रहे शिव ठाकरे और अब्दुल रोजी तो एंटरटेनर थे ही। इनके सारे टॉपिक्स, बातें, हंसी मजाक, सारी चीज़ें बिग बॉस हाउस में लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इनफैक्ट जब बिग बॉस हाउस के बाहर आने के बाद बहुत बार ये एलिगेशन लगे थे कि दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मंडली टूट गई है, बहुत सारी चीज़ें थी। जहाँ पे डबल डबल रिएक्शन देखने को मिल रहा था, जहाँ पे एक तरफ एमसी स्टैन को पूछा गया कि मंडली टूट गई क्या, तो वहाँ पे उन्होंने रिएक्शन दिया कि मंडली कभी टूट नहीं सकती है क्योंकि मंडली निभाने के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए बनाई गई है। तो अब्दुल रोजिक को जब ये पूछा गया कि मंडली टूट गई है, तब अब्दुल रोजिक ने ये रिएक्शन दिया था कि देयर इज़ नो मंडली, वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर। और उसके तुरंत बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही हमने ये देखा कि शिव ठाकरे ने अपना एक ड्रीम कार अचीव किया है जिसका नाम है टाटा हैरियर, जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए ऑन रोड। और उसके तुरंत बाद ही शिव ठाकरे ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, मे भी उनके कार सेलिब्रेशन का पार्टी हो, लेकिन उस पार्टी में बिग बॉस 16 के उनके खास कंटेस्टेंट, इनफैक्ट बिग बॉस 16 में उनके खास जो लोग थे उनको वहाँ पे स्पॉट किया गया, जहाँ पे आप कह सकते हो अब्दुल रोजिक के साथ साथ सुमर तौकीर खान, साजिद खान, सौंदर्य शर्मा भी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन वहाँ पे लोगों ने फिर से कमेंट करना शुरू कर दिया कि एमसी शान और निमृत को क्यों इन्वाइट नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूँ, जो मेन बात है कि पार्टी के दौरान अब्दू का और शिव ठाकरे का एक वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आके नाच डांस कर रहे होते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पार्टी, ऐसा लग रहा था बिग बॉस का एक सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं, बिग बॉस का एक वो पार्ट हम लोग देख रहे हैं जिस पार्ट में हम लोगों ने एमसी स्टैन, अब्दू और शिव ठाकरे को साथ में एक दूसरे के साथ खेलते हंसते नाचते हुए देखा था। लेकिन इस बीच एमसी स्टैन को फैंस लोगों ने काफ़ी मिस किया, लेकिन शिव और अब्दू का जो डांस सामने आ रहा था उसके बाद से फैंस ने तरह तरह के पोस्ट बनाना शुरू कर दिया और इस चीज़ को वायरल करना स्टार्ट कर दिया। ट्विटर पर यह ट्रेंड भी कर रहा था इनका डांस का वीडियो। इनफैक्ट ये चीज़ सामने आने के बाद शिव ने ये कहा कि अब्दू मेरा भाई है और इससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता, अगर हमारे बीच कुछ हो भी गया तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिलहाल मंडली कभी टूटेगी नहीं और ना ही टूटी है, और बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें अपने तक रखना भी सही होता है। ये स्टेटमेंट शिव ठाकरे ने मीडिया के सामने आके दी थी। लेकिन जिस तरीके से अब्दू के साथ वो डांस कर रहे थे, हुक शेप्स कर रहे थे, वो काबिल देखने की तारीफ की बात मैं कर सकती हूँ। इनफैक्ट लोगों ने देखने के बाद उसे काफ़ी पसंद किया, लोगों ने ये तक कह दिया कि भाईचारा हो तो इनके जैसा हो। कहते हैं ना, खून का रिश्ते से बढ़ के दिल का रिश्ता होता है, और कहीं ना कहीं अब्दू का ये जो रिश्ता है शिव ठाकरे के साथ, या फिर शिव ठाकरे का जो बॉन्डिंग है अब्दू के साथ, ये देखते ही बनता है और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज।